जो काम करता है आप लोग सवाल उसी से पूछते हैं, सवाल तो सबसे नहीं नहीं सवाल नहीं करते हैं, उसी को घेरने की कोशिश करते हैं, समझ गए? ये बोल दीजिए कि ये आप गलत कर रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ ये भ्रम फैला रहे हैं, बीजेपी जेडीयू फलाना और ये, इसी भ्रम में इस इलाके को जो है आप लोग जो है गर्क में डाले हुए हैं। बीजेपी गठबंधन से जब आप अलग थे उन दिनों आपने लगातार एएमआईएम को बीजेपी का बी टीम कहा, तो बीजेपी का बी टीम होना आपके लिए क्या ज्यादा गलत है या बीजेपी के साथ गठबंधन होना ज्यादा गलत है? आप मानते हैं सीमांचल में घुसपैठ है? बिहार में कोई घुसपैठ नहीं है, कोई डाटा है, कैसे होगा? वो सब पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल है, कोई कुछ बोल देगा उसी को लोग भजा लेगा कि जो है ये बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं वो गलत है। आप सीए से सहमत हैं? सीए होना चाहिए? सीए आप उनसे ना पूछिए, बैरिस्टर साहब से पूछिए, अख्तरुल ईमान से पूछिए, उसका बड़ा बड़ा वीडियो जो है गाड़ी पर स्क्रीन लगा के देखा है कि अवेसी साहब फाड़ दिए बिल और सीए खत्म हो गया, सब मुसलमान उसी में पागल हो गए, मुसलमान भाई खुश हो गए कि जो है ये कानून खत्म हो गया। क्या सीए सही है गलत है? एक मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ जिसको हिंदू का भी समर्थन मिलेगा, मुसलमान का भी मिलेगा, सुरजापुरी का भी मिलेगा, पश्मा बिरादरी का भी मिलेगा, कुलहिया बिरादरी का भी मिलेगा, शेरशाह बिरादरी का, सबका समर्थन मिलेगा और एक नया इतिहास रचेगा। जो यूपीए जिस जो ये बोल के ये वोट लिए एएमयू के लिए, 2.5 साल में वो 1 पैसा क्यों नहीं दिए? उनसे सवाल पूछिए, डॉक्टर जावेद से सवाल पूछिए, उन नेताओं से अख्तरुल ईमान से सवाल पूछिए जो आदिवासी अब भी उस जमीन पे किनारे में बसे हैं। उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल जी ने उनको बसाया है जो भाजपा के नेता हैं, तो भाजपा ही के नेता जब अड़चन डाल रहे हैं तो आप कैसे एएमयू का रास्ता? तो उस जमीन के अगल बगल में कहीं आदिवासी है ही नहीं, तो आपको नहीं, जब आप अंदर से जाएंगे आदिवासी जमीन के सरकार की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल में जब एक भी मुस्लिम नहीं रहता है तो मुस्लिमों का भरोसा आप कैसे जीत पाएंगे? नीतीश कुमार जी ने तो 2014 के चुनाव में कितने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, तो नतीजा जीत नहीं पा रहे हैं इसलिए एनडीए टिकट नहीं दे रही है, ये कह सकते हैं? अब तो ये भी एक वजह हो सकता है। ये ऊंची जाति का है कि नीची जाति का है, ये किस बिरादरी का है? जहां से भी जनता ने आवाज दी मैं खड़ा हुआ हूँ। और उसके सक्रियता के बावजूद जो केंद्र की सरकार है उसको लेकर जो मुसलमानों के दिल में एक डर है, तो उसको आप कैसे दूर करेंगे और मुसलमानों का वोट कैसे ले पाएंगे? हमारे साथ किशनगंज लोकसभा से जदयू के प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम साहब हैं। इनके बारे में बताएं कि सबसे पहले 2014 में कोचाधामन विधानसभा से विधायक बने और दूसरी बार 2015 में भी जीते। 2014 से 2020 के बीच 2 टर्म विधायक रहे, 2020 का चुनाव हार गए और इस बार जदयू ने फिर इन पर भरोसा जताया है और 2024 में बतौर एनडीए उम्मीदवार जदयू के टिकट पर यहाँ से किशनगंज लोकसभा से उन्हें उतारा है। मुजाहिद साहब, कई बार आपका इंटरव्यू हुआ लेकिन हमने आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में कभी बात नहीं किया कि आप बार बार बताते हैं कि तस्लीम साहब से जुड़े थे, लेकिन राजनीति में आए कैसे और कौन कौन सा चुनाव लड़ते हुए आज आप लोकसभा चुनाव तक पहुंचे हैं? पंचायत स्तर से शायद आपने राजनीति शुरू की, तो इस बारे में थोड़ा आज बताइए, थोड़ा तफसील से कि कहाँ से राजनीति की शुरुआत आपकी कहाँ से होती है? मैं तो 1994 में जब BPSC से टीचर्स की बहाली हुई एज ए टीचर, मैं तालगाछ मिडिल स्कूल तालगाछ जो दिगल बैंक में वहाँ ज्वाइन किया, और 2001 में जब पंचायत चुनाव हो रहा था तो उस वक्त पंचायत समिति का पद महिला के लिए आरक्षित था। मेरे गांव पंचायत के लोगों ने कहा कि आप अपनी आलिया को इस पद के लिए लाइए, हम लोग कोई कैंडिडेट नहीं देंगे, निर्विरोध कर देंगे। तो ऐसा ही हुआ और जो है हमारी अहलिया जो है निर्विरोध पंचायत समिति मेंबर 2001 में चुनी गई। फिर उससे पहले हम लोगों का लगाव मरहूम सांसद मौलाना असरारुल हक कासमी रहमतुल्लाह अलैह से था, जब हम लोग पटना में पढ़ाई करते थे तो उनसे बहुत कुछ सीखने जानने का मौका मिला और उनसे जुड़े हुए थे, तो इनडायरेक्टली उनके लिए भी जब जब वो चुनाव लड़े 89 हो उसके बाद का चुनाव हो हम लोग मदद किए।
लेकिन 2001 में जब निर्विरोध निर्वाचित हुए तो फिर लोगों ने ये कहा कि आप जो है प्रमुख का चुनाव लड़े, समिति का चुनाव निर्विरोध जीते जी जी प्रमुख के लिए, जब लोगों ने कहा कि आप जो है प्रमुख के लिए फाइट कीजिए, प्रमुख के लिए फाइट हुआ। उस वक्त मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब सीमांचल गांधी भवन निर्माण मंत्री थे और जो है तो उनका कैंडिडेट था, तो फिर हम लोग 2 वोट से चुनाव हार गए। तो उसके बाद फिर हम लोग उधर देखे नहीं प्रमुख के तरफ, लेकिन तब से लेकर अब तक यही है कि कोचा धामन में हमारे ही लोग, हमारे ही चाहने वाले अब तक जो है पिछले जो है 22-23 साल से प्रमुख बन रहे हैं। फिर जो है तस्लीम साहब से जुड़े, पहले तो उनके विरोध में रहते थे, फिर उनसे जुड़े, 2009 के चुनाव में उनके साथ थे, और जो है फिर जो है वो जो है हमको ये किए कि भाई तुमको विधानसभा चुनाव लड़ना है। फिर 20 सितंबर 2020 को नौकरी से रिजाइन करके जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लिए और 2010 का चुनाव लड़े। तो जान ही रहे हैं, लेकिन कि 2005 का जो चुनाव हुआ जब अख्तरुल ईमान साहब राजद के टिकट पर लड़े, उस वक्त क्या आप राजद से जुड़े नहीं थे या अख्तरुल ईमान साहब के साथ उस इलेक्शन में? अख्तरुल ईमान साहब के साथ तो शुरू से जुड़े हुए थे, जब वो जिला पार्षद चुने गए, हारून साहब हम ही लोग जो है वो मुखिया के लिए ये जो है नॉमिनेशन किए थे, और फिर 2005 में भी टिकट त्रिलोक चंद जैन जी को लालू जी तय कर दिए थे। जब सारे कैंडिडेट वापस आ गए ये लोग, तो हम लोग अंजार साहब, मैं खुद और जो है हारून इकबाल साहब, इलाके के बहुत सारे लोग हम लोग तस्लीम साहब के पास जो गए और फरियाद किए, तब जाके फिर इनको जो है टिकट जो है मिला। तो आप दोनों के रास्ते अलग कहाँ से होते हैं, 2010 में जब आपने अलग चुनाव लड़ा वहाँ से या उससे पहले से? नहीं नहीं 2009 के चुनाव से रास्ते अलग हुए। 2009 में मरहूम सांसद तस्लीमुद्दीन चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग उनके साथ थे और वो उनके MLA थे। वो चाहते थे कि तस्लीम साहब अररिया से चुनाव लड़े, उसी ठीक है, अच्छा। और मैं जो है यहाँ से चुनाव लड़ूं किशनगंज से लोकसभा, अच्छा। तस्लीम नौ में ही चाहते थे। जी 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 अच्छा। तस्लीम साहब जब यहाँ से अपनी उम्मीदवारी किए तो ये रहते थे तस्लीम साहब के साथ, अच्छा। लेकिन इंटरनली उनके खिलाफ में इनकी पूरी टीम लगी हुई थी, और जब याद होगा हल्दीखोरा में तस्लीम साहब का जो दौरा था, उनके गाड़ी पर पथराव किया, और जिन लोगों ने पथराव किया वो सारे अख्तरुल ईमान साहब के लोग थे, वो उस वक्त भी उन्हीं के डेरा में रहा करते थे। तो ये क्या मौलाना असरार साहब को समर्थन कर रहे थे सब? अब ये नहीं पता, लेकिन इनके विरोध में थे, और जो है फिर जो है तस्लीम साहब चुनाव हार गए, उसी दिन से तस्लीम साहब से उनकी दूरियां बढ़ती रह गई, और जब हल्दीखोरा की घटना के बाद अररिया बहुत रात में हम लोग पहुँचे, अख्तरुल ईमान भी आए थे, तो जितने भी तस्लीमुद्दीन साहब के चाहने वाले थे इनको बहुत बुरा भला कहे वहाँ पर, जो नहीं कहने का कहे, और वहीं से दूरियाँ बढ़ती गई। गठबंधन जब टूटा, महागठबंधन से आप तैयारी कर रहे थे 1.5 साल से और टिकट की दावेदारी भी उधर आपकी थी, तो ललन सिंह जी ने आपके जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, वो लोकसभा में कहते हैं कि ED CBI IT जो 3 तोते हैं मोदी सरकार के, वो लालू जी के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए गठबंधन 2017 में टूटा। इस बार क्या वजह रही, इस बार भी क्या इसी डर से गठबंधन तोड़ा गया? ये तो मैं नहीं बता सकता, ये बात जो भी सत्ता में रह जो भी लोग रहते हैं, जब कांग्रेस 2004 से 2014 तक सत्ता में थी तो ये बात उनके बारे में भी कहा जाता है, और लालू जी पर जितने भी मामले फ्रेम हुए वो कांग्रेस रिजिम में ही हुए, चारा घोटाले के मामले, तो ये तो जो भी सत्ता में रहता है उन पर आरोप लगता ही है। कास्ट सेंसस हुआ, कास्ट सेंसस में मुस्लिमों की जो परसेंटेज है वो लगभग 17-18% के आसपास आई है, लेकिन जो NDA में टिकट है अब तक सिर्फ बिहार में एक ही टिकट किशनगंज से मुस्लिम को दिया गया है,
इसके अलावा आप देखें तो मोदी सरकार में मुस्लिम मंत्री एक जो थे नकवी साहब, उनको भी हटा दिया गया। तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं लगता कि मुस्लिम का जो प्रतिनिधित्व है वो इस सरकार में कम होता जा रहा है? जिनको मौका भी दिया गया तो जनता ने उनको मदद नहीं किया, सहयोग नहीं किया। 2020 के लोकसभा चुनाव में नीतीश जी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश जी ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? केंद्र सरकार की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल में जब एक भी मुस्लिम नहीं रहता है तो मुस्लिमों का भरोसा आप कैसे जीत पाएंगे? अपने काम से भरोसा जीतेंगे? जो मैंने काम किया है, हमारे नेता ने काम किया है, ठीक है, उससे हम लोग जो है अपना भरोसा जीतेंगे। प्रतिनिधित्व क्या जरूरी नहीं है मंत्रिमंडल में, कोई मुस्लिम भी हो, रिप्रेजेंटेशन की जब बात है, जरूरी है, जरूरी है, लेकिन कौन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व सही दिया है ये बात की जाए ना, कौन दिया है? नीतीश कुमार जी ने तो 2014 के चुनाव में कितने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, नतीजा जीत नहीं पा रहे, इसलिए एनडीए टिकट नहीं दे रही है, ये कह सकते हैं? तो ये भी एक वजह हो सकता है कि एनडीए के टिकट पर मुस्लिम जीत नहीं पा रहे, ये भी एक वजह हो सकता है, पूर्व में तो यही देखा गया है। आप क्या एनडीए के टिकट पर यहाँ से आपको लगता है राह आसान है? क्योंकि जब जब आप एनडीए के टिकट पर लड़े कोचाधामन से भी तो हार भी आपकी 10 में बोले या फिर 2020 में बोले, इस बार क्या लगता है कि आप एनडीए के टिकट पर किशनगंज सीट निकाल पाएंगे? निश्चित रूप से जिस तरह से लोगों का उत्साह है, बुजुर्गों की दुआएं हैं, माँ बहनों का प्यार है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मुश्किल होगा। हम लोगों ने काम किया है, लोगों की सेवा की, ये नहीं कि सिर्फ MLA MP बनना है। 3.5 साल से मैं कोई पद में नहीं हूँ, लेकिन डेली 16 से 18 घंटा बिना फर्क किए हुए कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, ये ऊंची जाति का है कि नीची जाति का है, ये किस बिरादरी का है, जहाँ से भी जनता ने आवाज़ दी मैं खड़ा हुआ हूँ। और उसके सक्रियता के बावजूद जो केंद्र की सरकार है उसको लेकर जो मुसलमानों के दिल में एक डर है, तो उसको आप कैसे दूर करेंगे और मुसलमान का वोट कैसे ले पाएंगे? डर के आगे जीत है। डर ये है कि हमारे जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान शरीफ में भी फरमाया गया है कि जो है नफ़रत का जवाब प्यार से है, हम प्यार से उसको जीतेंगे और एक नया इतिहास लिखेंगे। AMU किशनगंज बहुत बड़ा मुद्दा रहा, आप भी बहुत सक्रिय रहे, उसको लेकर लेटर्स लिखते रहे, सुनने में आपने PIL भी दायर किया है। तो अब AMU किशनगंज का रास्ता कैसे आगे तय होगा, आप जीत गए तो क्या करेंगे इसके लिए? निश्चित रूप से पहली प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता है, AMU के नाम पर तो सिर्फ यह नेतागिरी हुआ है ना। पहले तो नीतीश जी जमीन दिए, 3 टुकड़े में जमीन दिए और तीनों टुकड़े के बीच में 700 मीटर की दूरी थी, कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन एक राजनीतिक इसके तहत बोले 1 टुकड़े में जमीन नहीं दिया, नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश की गई। फिर AMU के शर्तों के अनुसार 30 दिसंबर 2011 को 1 टुकड़े में ज़मीन दी गई, 224.02 एकड़। उसके बाद 2.5 साल तक UPA की सरकार रही, एक पैसे फंड रिलीज हुए क्या? जो 29 टीचिंग पोस्ट हैं और जो 19 नॉन टीचिंग पोस्ट हैं वो सेंक्शन हुए क्या? आप उन नेताओं से बात कीजिए, उन नेता वो वीडियो आप देखिए, अख्तरुल ईमान साहब, डॉक्टर जावेद साहब जो ये कह रहे थे कि नीतीश जी आज 1 टुकड़े में जमीन दे, कल से काम शुरू हो जाएगा, तो क्यों कटघरे में उनको खड़ा कीजिए? लेकिन 14 से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी उसके अलावा मोदी जी के टाइम में ही 3 दिसंबर 2015 को, आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आपके पास पूरा डाटा है, तहकीकात कर लीजिए, जो 10 करोड़ अब तक AMU को मिले हैं NDA शासन काल में ही मिले हैं। आपसे मेरी एक बार बात हुई थी, आपने पूरा एविडेंस दिखाया था कि जो
अड़चन लगा हुआ है उस जमीन पे आरएसएस से जुड़े मुकेश हेमरम जी ने लगाया है, जो बीजेपी के ही हैं। उसके बाद ये, हम ये मैं नहीं जानता हेमरम ने पीआईए लगाया है, मुकेश हेमरम ने माजी परगना अवैन वैसी। अब मुकेश हेमरम किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से है नहीं, इसका मुझे कोई नहीं। लेकिन जो पीआईएल दाखिल किया है वो एक संथाल ट्राइब्स का ऑर्गेनाइजेशन है, माझी परगना अभियान बैसी, जिसका हेडक्वार्टर दिखाया जा रहा है वहाँ पर, उनके बिहाफ में मुकेश हेम्बरम ने जो है पीआईएल दाखिल किया है कि जो जमीन दी गई है महानंदाओं महानंदा की, जो एक आदिवासियों को लेके यहाँ जानते होंगे आप, वनवासी करके जो चलता है संस्था, उसमें वो पहले हेड हुआ करते थे मुकेश हेम्बरम। ये मुझे जो मुझे पता नहीं है तो मैं कैसे बता दूं। इसके अलावा हमने एक डेढ़ साल पहले स्टोरी की, जो आदिवासी अब भी उस जमीन पे किनारे में बसे हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल जी ने उनको बसाया है, जो भाजपा के नेता हैं। तो भाजपा ही के नेता जब अड़चन डाल रहे हैं तो आप कैसे एमयू का रास्ता क्लियर करेंगे? उस जमीन के अगल बगल में कहीं आदिवासी है ही नहीं, तो आपको जब आप अंदर से जाएंगे आदिवासी जमीन के, वो तो लंबा बस्ती है, चकला का एक गाँव है, पूरा पूरा वार्ड ही आदिवासी का है। जब उस जमीन से जो भी आदिवासी थे अवैध ढंग से, वो तो कब का खाली हो गया, तब वो ज्यादातर लोग चले गए, लेकिन 7-8 परिवार है। मैं जिस जो चीज मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं उस पर क्या, बीजेपी के लोगों ने एमयू की जमीन पर अड़चन लगाया है, अब ये मुझे पता नहीं। लेकिन कोई भी अगर अड़चन लगाया तो हम लोग उसको दूर करेंगे। एमयू सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़े, एमयू में मेडिकल इंजीनियरिंग में देखिए मुसलमान से ज्यादा हिंदुओं के बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो क्या सरकार का लगता नहीं कि इंटेंशन नहीं है एमयू को बनाना? मैं किस सरकार की बात करूं? यूपीए यूपीए नहीं नहीं यूपीए बनेंगे, जब मैं बनेंगे तो हम करेंगे। जो यूपीए जिस जो ये बोल के ये वोट लिए एमयू के लिए 2.5 साल में, वो 1 पैसा क्यों नहीं दिए? उनसे सवाल पूछिए, डॉक्टर जावेद से सवाल पूछिए, उन नेताओं से अख्तरुल ईमान से सवाल पूछिए कि जो एमयू के नाम पर जगह जगह हाट में जो है माइक फूंक रहे थे कि आज बिहार सरकार जमीन दे एक टुकड़े में, कल से पैसा रखा हुआ है जो है काम शुरू हो जाएगा, आज उनके मुंह में ताला क्यों लग गया है? ये लोग वो भाषण आप निकालिए उन लोगों का यूट्यूब से, भाषण उनका इंटरव्यू करेंगे तो उनसे भी पूछेंगे फ्लड पे भाषण दिए, भाषण दिए हैं कि नहीं? तो आप सवाल पहले उनसे पीजिए जिन्होंने एएमयू को लेकर वोट बैंक की राजनीति की कि 3 टुकड़े में नहीं 1 टुकड़े में नहीं मामले को लगाया। जब 1 टुकड़े में हो गया, 2.5 साल तक सत्ता में बैठे रहे साहब, 1 पैसा नहीं, और झूठा एक शिलान्यास कर दिए 136.82 करोड़ का, न फंड सेंक्शन न पैसा रिलीज, आज भी बोर्ड लगा हुआ है। तो राजनीति कौन कर रहा है? जो इलाके में फ्लड की समस्या है इसका एक परमानेंट कोई सॉल्यूशन की तरफ अब तक बढ़ता हुआ जो भी है वो बहुत स्लो काम हो रहा है, इतने सारे घाट हैं, इसको लेकर आप क्या करेंगे? और अब तक नीतीश जी की सरकार लगभग 17-20 साल रह गई, नीतीश जी सीएम रह गए, लेकिन इसको लेकर अब तक इलाके का ये हाल क्यों है? उसकी वजह यही है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, महानंदा बेसिन। महानंदा बेसिन के तहत 5 फेज में जो सीमांचल की जितनी नदियां हैं जो नेपाल से निकलती हैं, वो जो है गंगा या उसकी सहायक महानंदा में कोसी में गिरती है, तो उसके तहत उनके दोनों किनारों पर तटबंध बनना। फेज 1 का काम पूरा हो गया, फेज 2 के काम का टेंडर हो चुका है, हैदराबाद की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी मामले आए हैं कि बहुत जगह जो बांध का अलाइनमेंट है उसमें बहुत सारे गांव अंदर में पड़ते हैं, तो उसमें जो है उन लोगों का डर है कि जो बाढ़ के दिन में हमको हम लोग जो है पूरा गांव नदी में जो है सबमर्ज हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा, उसको प्रोटेस्ट भी हुआ है, तो उसको तकनीकी रूप से दूर करने की ज़रूरत है। हम लोग उसको दूर करेंगे और फास्टली उसको जो है ये करेंगे। और दूसरा जो बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, कोसी मेची लिंक परियोजना, कोसी से लेके मेची तक सारी नदियों को एक दूसरे से जोड़ कर, लेकर जो सरकार केंद्र सरकार में बजट को लेकर ही फाइनल नहीं हो पा रहा है, बजट को लेकर नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में ये मामला आया था, और उसके बाद जो है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से हरी झंडी नहीं मिली। पिछले साल
वन एवं पर्यावरण मंत्री से हरी झंडी मिली है और इस पर अब बहुत तेजी से काम हो रहा है। ये काम जब हो जाएगा, महानंदा बेसिन और कोसी मेची लिंक परियोजना, ये जो बाढ़ सुखाड़ जो इस इलाके के लिए एक अभिशाप बना हुआ है, ये नदियाँ वो वरदान साबित होंगी। जो सुखाड़ में जो नदियों से जो है कनाल के माध्यम से पानी भी मिलेगा, सभी नदी बिजली भी पैदा होगी और महानंदा बेसिन परियोजना से जो तटबंध बनेगा उससे जो है नदी कटाव और जो है फसल वगैरह जो बर्बाद हो रहा है, जान माल का जो नुकसान हो रहा है उससे भी जो है ये होगा। ये मेरे प्राथमिकताओं में से एक है। तो बीजेपी गठबंधन से जब आप अलग थे उन दिनों आपने लगातार एएमआईएम को बीजेपी का बी टीम का, तो बीजेपी का बी टीम होना आपके लिए क्या ज़्यादा गलत है या बीजेपी के साथ गठबंधन होना ज़्यादा गलत है? ठीक है, पहले मैं जब राजनीतिक मेरा कैरियर जब मैंने नौकरी से रिजाइन किया उस वक्त भी नीतीश कुमार जी एनडीए में थे बीजेपी के साथ, तब मैंने राजनीतिक कैरियर, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं जहाँ था वहीं आज भी हूँ। मैं भी अगर अख्तरुल ईमान के तरह कभी छोड़ के जो है राजद को छोड़ के कभी आ गए जो है तीर छाप, उस वक्त नीतीश कुमार के कितने कसीदे पढ़ रहे थे, फिर छोड़ के आ गए जो है AIMIM, और अभी आपने देखा ना कि फिर वो अर्जी लगाए हुए हैं कांग्रेस और राजद में 2024-25 के लिए। अच्छा, 2024-25 शाहनवाज साहब का बयान आया और मुझे भी मालूम है अंतरूनी स्रोत से। ठीक है, जो घुसपैठ का मुद्दा है सीमांचल के अंदर बहुत प्रमुखता से बीजेपी उठाती है, डिप्टी सीएम ने जो सम्राट चौधरी हैं उन्होंने हाल में भी बयान दिया, इसको इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? आप मानते हैं सीमांचल में घुसपैठ है? बिहार में कोई घुसपैठ नहीं है, कोई डाटा है, कैसे होगा? वो सब पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल है, कोई कुछ बोल देगा उसी को लोग भजा लेगा कि जो है ये बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं वो गलत है। नहीं नहीं, ये पॉलिटिकल बात है, जो सरकारी डाटा है उस पर आप आइए ना भाई। बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग अब क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो है यहाँ पर जो डाटे की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है पूरे बिहार में जो है एक भी घुसपैठ जो नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई शरणार्थी है। CNRC का लोगों के अंदर एक डर अब बस रहा है क्योंकि CA को अब लागू कर भी दिया गया है, तो ये आप CA से सहमत हैं, CA होना चाहिए? CA तो आप उनसे न पूछिए, बैरिस्टर साहब से पूछिए, अख्तरुल ईमान से पूछिए, उसका बड़ा बड़ा वीडियो जो है गाड़ी पर स्क्रीन लगा के देखा है कि अवेसी साहब फाड़ दिए बिल और CA ख़त्म हो गया, सब मुसलमान उसी में पागल हो गए, मुसलमान भाई खुश हो गए कि जो है ये कानून खत्म हो गया। क्या CA सही है गलत है? CA क्या, CA से आप ही बता दीजिए ना, क्या है CA में, CA से किसी की नागरिकता जा रही है क्या? नागरिकता जा नहीं रही, लेकिन भेदभाव तो है ना, अगर आप भेदभाव यहाँ के लोगों से नहीं ना जो बाहर से आए हैं, लेकिन उसके साथ जब NRC लागू हो जाएगा तो दिक्कत हो सकता है ना कि अगर कल को बिहार में नीतीश कुमार ने जो है ये जो है क्या कहते हैं पहले ही से ही जो है बिहार विधानसभा और विधान परिषद जब BJP के साथ थे तब जो सर्वसम्मति से पारित कर दिया कि ये लागू नहीं होगा। दिगल बैंक का जो इलाका है वो हाथियों के उत्पात से परेशान है, उसको लेकर सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया? ठीक है, हमको जब मौका मिलेगा तो करेंगे, मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरी पहचान मेरा काम ही है, मैं कोई राजनीतिक घराने का से नहीं आता हूँ कि नहीं फलाना का बेटा हूँ बहुत बड़े मंत्री और उसका, और काम ही मेरी पहचान है, काम में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, अख्तरुल ईमान हो डॉक्टर जावेद हो कोई मुकाबला नहीं, मुझे 6 साल 4 महीने काम करना, 2,250 करोड़ का काम किए और मैंने 100 लाशों को 1.5 दर्जन को विदेश से एक MP या अख्तरुल में एक आदमी को ला दिया हो तो बोलिए, आप जो काम करता है आप लोग सवाल उसी से पूछते हैं? सवाल तो सबसे नहीं नहीं सवाल नहीं करते हैं, उसी को घेरने की कोशिश करते हैं, समझ गए? ये बोल दिए कि ये आप गलत कर रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। कौन था कोरोना में जो 100 आदमी को कंधे पर जब अपने उसके जो है छोड़ के चले गए
आप लोग सिर्फ ये भ्रम फैला रहे हैं बीजेपी जेडीयू फलाना और ये, इसी भ्रम में इस इलाके को जो है आप लोग जो है गर्क में डाले हुए हैं कि लोग आज 75 साल से इसी नाम पर वोट लेके आज जो है इलाके में कोई काम नहीं किया। यहाँ एम्स चाहिए, यहाँ ट्रॉमा सेंटर चाहिए, यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज चाहिए, कोई इस पर बात करता है? कोई बात नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि आप लोग एक भ्रम जाल फैलाए रखे हिंदू मुसलमान जेडीयू बीजेपी, उससे उभरने नहीं देते हैं, लोगों को सोचने का मौका नहीं। और मैं इस सब को तोड़ूंगा और इस अगर मौका दिया यहाँ की जनता ने किशनगंज को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, तो हर मामले में, चाहे सेवा में हो या कुछ में हो, दैट्स ऑल। तो ये बस बता दीजिए प्रमुखता है क्या रहेगी चुनाव में? मेरी प्रमुखता है विकास, जनता की सेवा 24 घंटे। और विकास में भी जो है महानंदा बेसिन कोसी मेची लिंक परियोजना, यहाँ पर एम्स के लिए हम लोग 200 एकड़ जमीन दिए, 26 डिसमिल जमीन मरहूम सांसद मौलाना असरार उल्लाह कासमी साहब के प्रयास से हम लोग जमींदार से जो है गिफ्ट लिए गवर्नर के नाम से, उस तक रोड बनाए, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण वो सेंटर आज दरभंगा चले जा रहा है। यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर हो रहा है, चारों तरफ से जो है एनएच सड़कें हैं वो नहीं हो पा रहा है, हम लोग उसको कर गए। यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, अभी छोटा मोटा अनमोल स्टॉर्च फैक्ट्री लग रहा है, अभी लेदर फैक्ट्री लग रहा है। बिहार सरकार ने बिहार औद्योगिक नीति 2016 में जो है लेदर फैक्ट्री किशनगंज में, किशनगंज में संशोधन किया है, उसके लिए जमीन दिया गया था मेहदीपुर में कोचाधामन में, वहाँ के लोगों ने विरोध किया, जो है हमारे हिंदू समाज के लोगों ने, हम लोग लगने नहीं देंगे, तो हम लोग वहाँ ये करके अभी बरेडा की जमीन किशनगंज में उसके लिए दी जा रही है। तो ये सब हो रहा है और बड़ा बड़ा लगे ताकि हमारे लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं, एम्स का सेंटर ट्रॉमा सेंटर हो गया, औद्योगिक घराने हो गए, यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, हम लोग जो है लॉ कॉलेज नहीं है, और जो है किशनगंज गलगलिया रेल लाइन सेंक्शन है, उस पर कोई फंडिंग नहीं हो रहा है। जी जी, विकास का मैं मास्टर मुजाहिद हूँ, ये जो किशनगंज लोकसभा का जो पूरा अवाम मेरा परिवार है, उसका सुख दुख जो है मेरा सुख दुख है, उसके लिए जो भी करना होगा, चाहे वो जिस जाति धर्म से हो, मैं करूँगा। और जो ये मेरा वादा है, मेरा ये ट्रैक रिकॉर्ड भी है, मैंने करके बिना पद में रखे, और अगर मुझे जनता मौका देगी तो मैं इस लोकसभा को नई ऊँचाइयों तक ले जाऊँगा, जिस तरह से मैंने कोचाधामन विधानसभा में काम किया है। मेरे लिए विकास ही पहली प्राथमिकता है, मानवता की सेवा करना ही प्राथमिकता है, चाहे वो कोई जाति धर्म का हो। और इस बार हम लोग जो है एक, मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ जिसको हिंदू का भी समर्थन मिलेगा, मुसलमान का भी मिलेगा, सुरजापुरी का भी मिलेगा, पश्मा बिरादरी का भी मिलेगा, कुलहिया बिरादरी का भी मिलेगा, शेरशाह बिरादरी का, सबका समर्थन मिलेगा और एक नया इतिहास रचेगा।